Azab. Azab. ये वो जमीन है जिसे
ये वो जमीन है जिसे आसमां समझते हैं, इन्हें हरम से गरज है नदीर से कुछ काम, इन्हें हरम से गरज है नदीर से कुछ काम, जो अपना किबला तेरा, जो अपना किबला तेरा आस्तां समझते हैं, जो अपना किबला तेरा आस्तां समझते हैं, गली को हम मिटाए देते हैं अपनी यादगार सितम, मिटाए देते हैं अपनी यादगार सितम, मेरी लहद को में रानिशां सवारिस, मेरी लहद को में रानिशां समझते हैं, गली को हम हमारे साथ कहते हैं शेख अहले हरम, हमारे साथ कहते है शेख अहले हरम, जो बादनोश है, जो बादनोश है पीरे मुगा समझते हैं, जो बादनोश है पीरे मुगा समझते हैं, गली को हम तेरी Waris.
अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आलम पना का वारिस से पाक का हमारे सबके ऊपर एहसान और करम कि सरकार आलम पना वारिस से पाक हम सबको आस्ताने कंजतन में आस्ताने ज़ैनबिया में हम सबको कबूल करो। ये हमारे सबके ऊपर बहुत बड़ा एहसान और करम है। अब हमें सब आपको इस जगह जमा हो को ही ये जगह बैठी तो हमें ऐसे खामखा नहीं आपको बैठी, हमारे सामने भी यहाँ आपको बैठने का कुछ मकसद है। कोई भी इंसान कहीं भी बगैर गरज के बगैर मकसद के बगैर मोहब्बत के कहीं भी नहीं जाएगा। हमारी कोई गरज नहीं है, दुनिया भी कोई गरज नहीं है हमारी, और दुनिया का किसी तरह का कोई मतलब नहीं। हमें सब यहाँ आपको जमा होना सिर्फ और सिर्फ सरकार आलम पना वारिसे पाक पंजतने पाक अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में आपको जमा जमा होना, हमारा ये गौरव फिक्र करना, कुछ बोलना और सुनना सरकार वारिसे पाक और अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमारे ये बैठने और बोलने सुनने हर बुजुर्गाने भी सिर्फ ये चीज वो पंचतने पार्टी मोहब्बत करने वाले हमें से हमें किसकी भी शान में बोलेंगे किसी भी शान में सुनेंगे सब कुछ पंजातन की शान में। जो बोला जा रहा है ये सब पंजातन ने पार्टी मोहब्बत में तो सरकार वारिस पार्टी शान आला और अफजल है क्योंकि सरकार वारिस पाक आले पंजातन के हैं नूर। इनकी शान में जितना भी बोलेंगे सुनेंगे हमारा ईमान ताज़ा है। तो सरकार वारिस पाक मिश्कातुल हक्कानिया में चंद बातें बता रहे हैं, उनमें से सरकार वारिस पाक क्या बताते हैं इस किताब के अंदर। सरकार वारिस पाक क्या बताते, मेरे यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत, यहाँ किसी मसले की है नहीं, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा। सरकार वारिस पाक ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत ही की तरफ तवज्जा है। एक जगह सरकार वारिस पाक बताते ईमान और चीज, ईमान और चीज है, मोहब्बत और चीज, इल्म और चीज है, इल्म और चीज है, मोहब्बत और चीज, इबादत और चीज है, मोहब्बत और चीज। यानी कि सरकार वारिस पाक क्या बता रही, ईमान में इलम में इबादत में सारे चीजों में मोहब्बत का होना जरूरी है।
अगर मोहब्बत नहीं है तब तो ईमान भी बेकार, इलम भी बेकार ही बात है। बनी इसराइल के जमाने में एक बहुत बड़े इबादत गुजार थे, बहुत बड़े इबादत गुजार। उस गांव के अंदर उनसे ज्यादा इबादत करने वाला कौन मिलता? उस गांव के अंदर उनसे ज्यादा इबादत करने वाला कौन भी मैं था। सारे गांव वाले का यकीन उनके ऊपर था कि ये एक आबिद है, ये इबादत गुजार है, सच्चे और पक्के हैं। वो सबका ईमान उनके ऊपर था और सब लोग उनसे मोहब्बत करते थे और लोग को उनके पास अमानत भी रखते ताकि इबादत गुजार थे, सच्चे और पक्के थे, सब सबको मालूम था और यकीन था। तो अमानत भी बहुत सारे अपना निलगा को रखते फिर लेने को जाते। इसे पाकन मोहल में दो भाई और एक भाई, उनका उस गाँव में दूसरा कौन के लिए था? सिर्फ दो भाई एक भाई, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई माँ बाप भी नहीं, रिश्तेदार कौन भी नहीं थे। तो वो दो भाई को उस गाँव के अंदर काम करना मुश्किल होगा, रोजी रोटी मुश्किल में पड़ेगी। अब वो गाँव से दूसरे गाँव को सफर करना, जब रोजी नहीं मिली।